जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है, बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए, विचार सवाल उनसे चिपक मत जाइए, विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा
रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड